कैथार्टिक्स। व्हाट आर कैथार्टिक्स? बेसिकली जो कैथार्टिक्स हैं, ये हम लोग कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। दीज आर द एजेंट्स विच आर यूज टू ब्रिंग अबाउट द डेफिकेशन। ड्रग्स हैं विच आर यूज टू ब्रिंग अबाउट द डेफिकेशन, की बेनिफिशियल होते हैं कॉन्स्टिपेशन में, जिनको भी कॉन्स्टिपेशन में कॉन्स्टिपेशन हो रही है, या फिर एक्सक्रीट आउट करने में, बॉबल्स क्लियर करने में जिनको भी प्रॉब्लम होती है, उन केसेस में हम लोग कैथार्टिक्स देते हैं। बेसिकली दे मे बी गिवन फॉर क्लियरिंग बॉबल्स बिफोर सर्जरी। तो इसके आगे कुछ सिनोनिम्स भी हैं, लाइक कैथार्टिक्स को हम पर्गेटिव्स भी बोलते हैं। Purgatives are the mild form of cathartics, which act similarly but are generally mild in their nature of action. Example, potassium bitartrate. Next is laxative. Jo laxative hai, these are the mild form of the purgatives. They give rise to same effect but vary in nature and mechanism of action. Laxative cathartics and purgatives act by retaining fluid in the bowel. These may be administered by oral route, suspension or powder, or by the rectal route, enema or suppository. Next hai, cathartics or purgatives act by four different mechanisms. Kaun kaun se four different mechanisms hai? Number one is stimulant, number two is lubricant, number three saline cathartic, number four bulk purgatives. We will discuss all these four one by one. नंबर वन इज स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट क्या होता है कि दीज ड्रग्स कॉज लोकल इरिटेशन ऑन द इंटेस्टाइनल ट्रैक। इंटेस्टाइनल ट्रैक पे लोकल इरिटेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से जो पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी है वो स्टिमुलेट हो जाती है। अब पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी क्या है? ये वेव फॉर्म में होती है इंटेस्टाइन में, जब खाना डाइजेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी। तो जब ये स्टिमुलेशन होते हैं पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी की, खाना डाइजेस्ट हो गया तो वो फिर इजीली बॉवल से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। एज दे आर डायरेक्टली ऑन इंटेस्टाइन, एक्ट डायरेक्टली ऑन इंटेस्टाइन एंड स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस, दे आर टर्म्ड एज स्टिमुलेंट्स। फॉर एग्जाम्पल सेना, कैस्टर ऑयल। नेक्स्ट इज बल्क पर्गेटिव्स। बल्क पर्गेटिव्स क्या होते हैं? बेसिकली ये इंक्रीज करते हैं बल्क ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट्स। अगर इंटेस्टाइनल कंटेंट्स का बल्क इंक्रीज हो गया तो उससे क्या होगा कि जल्दी जल्दी से जो भी पेरिस्टाल्सिस है वो स्टिमुलेट हो जाएगी और इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा इंटेस्टाइनल कंटेंट्स। दीज आर द सेलुलोस और नॉन डाइजेस्टिबल टाइप ऑफ मटेरियल्स विच स्वेल कंसिडरेबली व्हेन वेट। जैसे ही ये थोड़े से भी वेट होते हैं स्वेल कर जाते हैं। अब जैसे स्वेल कर गए तो ऑब्वियसली प्रेशर इंक्रीज होगा, बल्क है काफ़ी ज़्यादा, तो एक होगा कि बस जाएं और एक्सक्रीट आउट कर दें। तो यही चीज़ है कि ये जो बल्क पर्गेटिव्स हैं ये सेलुलोज होते हैं या नॉन डाइजेस्टिबल टाइप मटेरियल्स होते हैं। जैसे ही ये थोड़े से वेट होते हैं ये स्वेल कर जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज बल्क स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस। नेक्स्ट इज लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या हैं? इन कॉन्स्टिपेशन कंटेंट्स ऑफ इंटेस्टाइन बिकम हार्ड बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द बॉडी। जो इंटेस्टाइन के कंटेंट्स हैं वो हार्ड हो जाते हैं, मतलब कॉन्स्टिपेशन हो जा रही है, तो उस केस में हम लोग लुब्रिकेंट्स देते हैं। क्योंकि जब हार्ड हो जाता है इंटेस्टाइन के कंटेंट्स तो क्या होता है कि बॉवल क्लियर करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, पेन आती है, तो उस वजह से हम लोग ये लुब्रिकेंट्स देते हैं ताकि स्मूथ क्लियरेंस ऑफ द फीकल मटेरियल हो सके। जो भी फीकल मटेरियल है वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो सके, तो हम लोग लुब्रिकेंट्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज सेलाइन कैथार्टिक्स। सेलाइन कैथार्टिक्स क्या होते हैं? दे एक्ट बाय इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक लोड ऑफ इंटेस्टाइन बाय अब्सॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड द स्टिमुलेट द पेरिस्टाल्सिस। ये क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं ऑस्मोटिक लोड इंटेस्टाइन में। कैसे करते हैं इंक्रीज? लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को एब्सॉर्ब करके, और फिर उसके बाद ये स्टिमुलेट करते हैं पेरिस्टाल्सिस। इसकी एग्जांपल आती है पोअर एब्जॉर्बेबल कैटायंस लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एनायंस लाइक फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा। बेसिकली
Saline cathartics are water soluble, mainly in organic chemicals, and they are taken with plenty of water. Example है इसकी magnesium sulfate. This is its preparation. It is obtained by action on dilute sulfuric acid on magnesium carbonate or magnesium oxide or from native carbonate. Use is used as a cathartic. Properties हैं saline, bitter taste होता है, efflorescence is in warm dry air, soluble in water, sparingly soluble in alcohol. This is all about the cathartic.